हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे और लाइफ को खूब अच्छे से आप सेलिब्रेट जरूर कर रहे होंगे। मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़। यस, यू हर्ड इट राइट, चंडीगढ़ में फर्स्ट टाइम मैं कंडक्ट करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम, विच इज ए ऑफलाइन प्रोग्राम। 1-to-1 मेरा सेशन होगा आपके साथ 4 दिन के लिए और उसमें बहुत ही नई लर्निंग्स, कुछ बहुत ही नए अपडेट्स और विशेष करके जो 4th day आपके साथ मैं अपनी लर्निंग शेयर करूंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग होगी। ये इवेंट हमारा चंडीगढ़ में होगा, वेन्यू होगा उसके लिए होटल हयात रिजेंसी एलेंटा मॉल के पास और डेट्स उसके लिए रहेंगी 14, 15, 16, 17 मार्च। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो डू रजिस्टर योर सेल्फ इमिजिएटली एट अवर हेल्पलाइन नंबर 9999-9999-3434। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। आज मैं आपके साथ उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाला हूं जहां मैं बात कर रहा हूं आपके साथ कि आप कौन से महीने में पैदा हो रहे हैं उसका आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स के ऊपर और आपकी सफलता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी, जो लोग जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में पैदा होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स कैसे होते हैं। आज के वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, जो लोग मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है और कैसी उनकी सफलता होती है और उनकी क्या स्ट्रेंथ होती है और क्या उनकी वीकनेस होती है। तो आज बात करेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में पैदा होने वाले लोगों की। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन तक ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। और एक गलती मत कीजिएगा, जरा सा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बीच बीच में देखने की कोशिश ना करें, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही लर्निंग होगी और बहुत ही न्यूमरोलॉजी की आपको नई नई चीजों को जानने का मौका लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग मार्च के महीने में पैदा होते हैं। मार्च का महीना कौन सा है? नंबर 3 पे आता है। यस, नंबर 3 पे आता है। मार्च के महीने में जो पैदा होते हैं इनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस रहता है, जो प्रभाव रहता है, वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही ज्यादा रहता है मार्च के महीने में पैदा होने वाले लोगों के लिए। और जुपिटर जो है यानी कि बृहस्पति क्या है? विद्या, नॉलेज, विजडम इसके कारक हैं। थोड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे देते हैं, बहुत लोग इस तरह के लोग इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं जिंदगी के अंदर। एजुकेशन के सेक्टर के अंदर इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा कर देते हैं। बट एक छोटी सी बात हमेशा मैं कहता हूं कि इस तरह के लोग जीवन के अंदर नो डाउट बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, स्किलफुल होते हैं। ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, नॉलेज होती है, विजडम होती है, सारा कुछ ऐसे लोगों के पास होता है। बट इस तरह के लोग गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर भी हो सकते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं मार्च के महीने में पैदा हो रहे तो ध्यान रखिए, अपनी स्किल को अच्छे से यूज कीजिए, फोकस अप्रोच के साथ चलिए। डोंट ट्राई टू सेल इनटू द मल्टीपल बोट्स। अगर आप अपने फोकस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं तो कितना ही अच्छा स्किल सेट हो, आपके जीवन के अंदर सफलता का प्रतिशत नीचे गिर सकता है। बट अनडाउटेडली नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, तो की वर्ड इसके लिए बोलूंगा, दीज पीपल आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, फुल ऑफ विजडम एंड लॉट ऑफ क्रिएटिविटी दीज पीपल पोसेस इन टू देयर माइंड एंड इन टू देयर हार्ट। अब बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की जो मार्च के महीने में पैदा हुई और देखिए आपकी पर्सनैलिटी और इनकी पर्सनैलिटी किस हद तक मैच करती है या नहीं करती है। कंगना रनौत सब जानते हैं, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मार्च के महीने में पैदा होती है। आमिर खान मार्च के महीने में पैदा होते हैं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। और अभी मैंने आपको बताया कि जुपिटर का प्रभाव ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा रहता है, इसलिए जब भी आप आमिर खान की पिक्चर्स देखेंगे बहुत ही क्रिएटिविटी की होंगी, बहुत समय लेते हैं पिक्चर को सिलेक्ट करने में, अगर पिक्चर बनाते हैं तो उसमें भी बहुत समय लेते हैं और हर चीज़ में ऐसे लोगों को परफेक्शन चाहिए होती है। तो आमिर खान पैदा होते हैं मार्च के महीने में, हम सब लोग जानते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जुपिटर का प्रभाव कितना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। कुछ और फेमस पर्सनैलिटीज़ बता देता हूँ लगे हाथ, जॉन अब्राहम मार्च के महीने में पैदा होते हैं।
आलिया भट्ट मार्च के महीने में पैदा होती हैं और श्रद्धा कपूर वो भी मार्च के महीने में पैदा होती है। सर बहुत और भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं लेकिन सबके गिनाऊंगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अप्रैल के महीने में पैदा होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, उनके प्लस, उनके माइनस, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस के बारे में। अब अप्रैल का महीना कौन सा है? नंबर 4 के ऊपर आता है। अगर आप अप्रैल के महीने में पैदा होते तो आपके ऊपर जो राहु के जो प्रभाव हैं, जो राहु के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। अब राहु का करैक्टर क्या है? स्लोली एंड स्टेडीली जीवन के अंदर सफलता देता है, मेहनत बहुत ही ज्यादा करवाता है। और सबसे अच्छी जो खूबसूरत बात अगर मैं राहु की बोलूं तो इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन के अंदर जीना पसंद करते हैं, फिक्स रूटीन के अंदर इस तरह के लोग जीना पसंद करते हैं। यस, थोड़ी सी स्ट्रगल ऐसे लोगों की जिंदगी के अंदर दूसरों के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, बट इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन अगर वे के अंदर अपनी जिंदगी को चलाते हैं तो ऐसे लोगों को सफलता बहुत ही अच्छी मिल जाती है। तो चलिए बहुत ही कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं जो कि अपने बलबूते के ऊपर अपनी मेहनत के कारण बहुत ही फेमस हुए और बहुत ही एक टॉप पोजीशन तक पहुंचे। मुकेश अंबानी अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं, अजय देवगन अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं, सचिन तेंदुलकर उनके जैसा डिसिप्लिन, वाह मैं कहता हूं दुनिया में अपने आप में मिसाल है। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो मैं बोलूंगा सचिन तेंदुलकर जैसा डिसिप्लिन हमें देखने को मिल ही नहीं सकता। तो मुकेश अंबानी अप्रैल के महीने में, आप सचिन तेंदुलकर को देखें अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं, रोहित शर्मा द फेमस कैरेक्टर वो भी अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं, अजय देवगन अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं और द बहुत ही फेमस सिंगर अरिजीत सिंह अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं। तो ये चंद पर्सनैलिटीज हैं जो मैंने आपको बताई, बाकी आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको बहुत फेमस पर्सनैलिटीज नजर आएंगी जो कि अप्रैल के महीने में पैदा होती है। इसका मतलब जितनी भी पर्सनैलिटीज मैंने आपको बताई तो उनके अंदर एक ट्रेट आपको जरूर देखने को मिला होगा, किस तरह के लोग स्लोली स्टेडीली प्रोग्रेस करते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, जिंदगी मेहनत से कभी नहीं घबराते हैं और मेहनत के बलबूते के ऊपर जिंदगी के अंदर ये टॉप पोजीशंस के ऊपर चले जाते हैं। अगर आप भी अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, बिना मेहनत के आप ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं और शॉर्टकट मेथड ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर कभी भी नहीं अपनाने चाहिए। रातों रात अमीर बनने का सपना ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए। शॉर्टकट मेथड, लॉटरी सिस्टम के सहारे इस तरह के लोग कभी भी जिंदगी के अंदर बढ़ने की कोशिश ना करें, ये तो आपको बहुत ही धोखा या बहुत ही पछताना पड़ सकता है। तो ये रही आज की चर्चा मेरी आपके साथ। जो लोग मार्च के महीने में पैदा होते हैं, अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, उनकी सफलता, सब कुछ मैंने आपके साथ साझा किया है। तो अगले वीडियो में आपके साथ बात करेंगे मई के महीने में पैदा होने वाले और जून के महीने में पैदा होने वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंट माय डियर फ्रेंड्स, और अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज़। बोलते